Hello friends, I Susant, welcome you all to class 9 geography chapter number 2. We are continuing physical features of India. So today we'll start from major physiographic division. Okay, Bharat ka jo mukhya bhaugolik vitaran kaise hota hai, chalo shuruaat karte hain. Bharat ki bhaugolik akrutiyon ko jo niche wala aapki kitab dekho isme निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि सबसे पहला वाला द हिमालयन माउंटेन्स, इसका मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला. सेकेंड वाला द नॉर्दर्न प्लेन या उत्तरी मैदान. नेक्स्ट इट इज द पेनिनसुलर प्लेच्यू, प्रायद्वीपीय पठार. फोर में द इंडियन डेजर्ट, इसका मतलब भारतीय मरुस्थल. नेक्स्ट में द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान. लास्ट वाला द आइलैंड्स, इसका मतलब द्वीप समूह. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स. ओके, हिमालय पर्वत. भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है. ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है. हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है. ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं. इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर, जो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग के ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है. अपने पूरे जो देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को तीन भागों में बांट सकते हैं. इन श्रृंखलाओं में बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं. सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, द टॉप मोस्ट. यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है. इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं. इसमें आपके किताब में जो दिया हुआ है हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजुंगा ये जो भारत का है, भारत में है 8598 मीटर, ऐसे दिया गया है ना? देखो गौर से देखो, महान हिमालय के विलय की प्रकृति असममित है. हिमालय के इस भाग का जो क्रोड जो ग्रेनाइट का बना है, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसे बहुत सी जो हिमनदियों का प्रवाह होता है. हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है. ओके, निम्न हिमालय. इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक जो संपीड़ित तथा परिवर्तित शिलों में से हुआ है. इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है. जैसे कि धौलाधर एवं जो महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है. इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं. इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है. हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है. इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है. ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई जो असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं.
ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित जो लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे कि देहरादून, जैसे कि कोटली दून एवं पाटली दून। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच इस स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम बता कीजिए, बताओ इसका नाम और क्या क्या हो सकता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है। दिहांग जो महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है इसे बनी है। ये घने जंगलों से ढका है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। सो ये तो हिमालय के बारे में हम जान लिए। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नॉर्दर्न प्लेन। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणाली या जो नदी प्रणालियों हैं सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदी से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के जो गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन इसमें जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, पॉपुलेटेड एरिया। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगती है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बंट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, दिस मच इज ऑल अबाउट द डे। वी विल मीट वंस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू ऑल।